राजकुमार चाहर ने मुसलमान के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहा, इसलिए राजकुमार चाहर ने मुसलमानों का दिल जीता है, वो इसलिए मुसलमान भी वोट देकर उनका दिल जीतेगा। हम भी तन मन के साथ बीजेपी के साथ हैं। योगी मोदी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। लोकसभा में जो चुनाव हो रहा है बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। इस बार बीजेपी के साथ राष्ट्रीय लोकदल भी गठबंधन में है और तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, लोकदल से जुड़े हुए की बात करते हैं। आप बताइए, कैसा चुनाव है? कह रहे कि यहाँ चुनाव हो रहा है, एक तरफा मामला नहीं है, क्या कहना चाहिए? नहीं साहब, 2019 में हमारे राजकुमार चाहर सांसद जी बने और आज 2024 चल रही है। राजकुमार चाहर ने मुसलमान के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहा, इसलिए राजकुमार चाहर ने मुसलमानों का दिल जीता है, तो इसलिए मुसलमान भी वोट देकर उनका दिल जीतेगा। पूरी तरह पूरा फतेहपुर सीधी जो लोकसभा फतेहपुर सीधी है, पूरा मुसलमान का वोट राजकुमार चाहर को मिला, जो कभी वोट नहीं मिला 2024 में राजकुमार चाहर को वोट मिला मुसलमान। राजकुमार चाहर हमने वो देखा जो गरीबों पे मकान तक नहीं थे, आज उन गरीबों पे मकान मोदी योजना की तरफ से बने हुए, उनका परिवार बड़ा आराम से सुकून से रह रहा है, इसलिए हम मोदी जी को लाइक करते हैं, करते रहेंगे। जी हाँ, हमारे चौधरी चरण सिंह है वो अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, जैन चौधरी जिंदाबाद, और पिछले भैया जिंदाबाद, राजकुमार चाहर जिंदाबाद, और मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। देखिए जबरदस्त, योगी जी जिंदाबाद, ये नारा दो। देखिए तमाम जो राष्ट्रीय लोकदल इस बार गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, और फतेहपुर सीकरी में आरएलडी का अच्छा खासा वजूद है, मिनी छतरौली इसे कहा जाता है, फतेहपुर सीकरी विधानसभा खासकर, और ये लोकसभा है तमाम जो लोग यहाँ पर है, दो दो पट्टे डाले हुए हैं, एक आरएलडी का जो हैंडपम्प है, क्या बीजेपी के वोटों की फसल सींचेगा? अच्छा ये बताइए, ये रामनाथ शर्मा, रामेश्वर चौधरी, रामनिवास शर्मा, इनका क्या माहौल देंगे? सब आवाम उड़ रही है, सब आवाम उड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? हम अपनी पार्टी को लेकर चलेंगे, हमारा जो बीजेपी से गठबंधन हुआ है लोकतंत्र, हमने पहले विधानसभा चुनाव में विधायक हमारे विजय चार भैया का हमने भरपूर तरीके से साथ दिया, लेकिन उनकी तकदीर ने उनका साथ नहीं दिया। इस बार बीजेपी गठबंधन से है लोकदल के साथ, और हम भी तन मन के साथ बीजेपी के साथ हैं, और राजकुमार को वोट कर रहे हैं तन मन के साथ। अच्छा, तन मन के साथ बिल्कुल, लोकसभा में इस बार भी सांसद जी आते नहीं, सांसद जी आते हैं, और वो जिन्हें शिकायत होगी उन्होंने हमें कोई शिकायत नहीं की, हमें काम जनता के लिए काम हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास चाहिए जनता, विकास चाहिए जनता को, और भी लोगों को क्या लग रहा है, क्या माहौल है? अच्छा, लोकल विधायक की बेटा भी खड़े हो रहे हैं, आगे आगे रामेश्वर जी क्या लग रहा है, काट पाएंगे उनका कम कम बहुमत है? दिल से कह रहे हैं, दिमाग से दिल से दिल से दिल से बोल रहे हैं, आप बताइए क्या कह रहे हैं? बहुत दिल से बोलना चाहिए, आज तारीख में हिंदुस्तान को जरूरत है योगी और मोदी जैसे धर्मात्मा प्रधानमंत्री और धर्मात्मा योगी अतराज उत्तर प्रदेश के, भारत को जरूरत है योगी मोदी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, विदेशों में जो हमारा तहलका मचाया है, इस भारत की इंडिया ने साथ दिया है प्रधानमंत्री जी का, और फिर से 2024 में फिर से सरकार बनेगी, फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और पूरे बहुमत से यहाँ के जो अन्य प्रत्याशी है बसपा सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, कुछ नहीं होने जाने वाला है इनका। रामेश्वर का क्या है? अरे इनका कुछ नहीं बनना है यहाँ पर, यहाँ पर राजकुमार चार फिर से भारी कोई दौरा नहीं है, राजकुमार इस फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र का इतना नाम रोशन किया है, जो आज किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, इससे ज्यादा बढ़कर हमें और कोई स्वागत नहीं चाहिए, विकास कार्य तो होते ही रहते हैं, सरकार कराई है, लेकिन हमारी लोकसभा का काम और नाम उछालने का काम किया है तो राजकुमार चाहर ने, जो आज राष्ट्रीय माहौल बहुत जबरदस्त।
स्पष्ट है राजकुमार त्यागी 6 लाख 8 लाख के बीच में जीतने निश्चित है। 4,95,000 के करीब आंकड़ा। इस बार तो विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। पहले मजबूत प्रत्याशी थे राज बब्बर थे, गुड्डू पंडित थे, इस बार आपको विपक्ष नहीं नजर आ रहा है। कम से कम 8 लाख वोटों से विजयी भाजपा की होती है पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में। राजकुमार चाटी नंबर 1 के कैंडिडेट जीत पर भाजपा के अंदर। इनका क्या चल रहा है? ये रामनाथ सिकरवार, फौजी बाबा रामेश्वर चौधरी कुछ नहीं चल रहा है। किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। इस समय पूरा देश मोदी जी के साथ, राम मंदिर के साथ और भाजपा के साथ है। मोदी जी के साथ, राम मंदिर के साथ और भाजपा के साथ है। यहाँ जो मौजूद जो जनता पार्टी का कहना है, हालांकि जनता तय करेगी का सिरमौर का इलेक्शन है तो जबरदस्त आ जाए। यहाँ जो सियासी जबरदस्त देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।